नमक आपको बहुत कम डालना है। इसके बाद इसको हम अच्छे से भुनेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से भुना जाएंगे तो इसके बाद हमने जो कलर देखी है कितना चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। आज की सोयाबीन की सब्जी बहुत नए तरीके से बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और यदि सब्जी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि सब्जी को बनाते समय जूम करके बनाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि मैंने कैसे बनाया। लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था तो मेरे बेटे ने रिकॉर्डिंग किया था, काफ़ी दूर से किया था, सब्जी अच्छे से लोगों को समझ में नहीं आई थी। आज मैं एक हाथ में मोबाइल लेके रिकॉर्ड करूंगी सिर्फ और सिर्फ सब्जी की। हेलो फ्रेंड्स, बेटे को पकड़ने जा। आज आज तुम भी आ गए, मेरे बेटा बाबू आ गया। और मम्मा की डिश अच्छी बनती है, मम्मा की डिश अच्छी बनती है, बोल दो। ट्राई जरूर कीजिएगा। हाय बोल दो। हेलो अंकल आंटी, हेलो अंकल आंटी, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते करो, हर हर महादेव करो, हर हर महादेव, वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन, हर हर महादेव। डुबू की नजर तो सोयाबीन में है, सोयाबीन में है, ठंड खाओगे? और लाइक जरूर कीजिएगा मम्मा की डिश को। खाना है तुमको? लो मम्मा जो भी सब्जी बनाने वाली है। ये बनेगा डुबू? डुबू ये बनाएंगे? डुबू की नहीं, ये लो इसमें ढेर सारा खा ले, यहाँ से ले लो। चलो चलो जाओ खेलो, हम खाना बनाएंगी ना बिट्टू। चलो 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 चलो। गुनगुने पानी में मैंने सोयाबीन को भिगो दिया है और मेरे सोयाबीन अच्छे से फूल गए हैं। मैंने इसको आधे घंटे तक रखा था। अब मैं सारे सोयाबीन को बाहर निकाल लूँगी अलग बर्तन में, और आप देख सकते हैं कि मेरे सारे सोयाबीन अच्छे से फूल गए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 2.5 चम्मच दही डालूँगी, और दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, और स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, और 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च, जो तीखी लाल मिर्च है। यदि आप तीखा नहीं खाते ज़्यादा तो आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसको हम अच्छे से आपस में मिलाएंगे। इसको जब तक मिलाएंगे जब तक कि पूरे मसाले जो हैं अच्छे से सोयाबीन के अंदर ना आ जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सोयाबीन मसाले अच्छे से मेरे मिल गए हैं। अब इसको हम ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप यदि सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप जो तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। मेरा तेल गर्म हो गया। यहाँ मैंने 4 लौंग, काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची इसमें मैंने डाली है, और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। और ये सारे के सारे अच्छे से भुना गए हैं। इसमें अब चुटकी भर डाल रही हूँ हींग, और इसके बाद मैं इसमें पेस्ट डालूँगी अनियन का। और अनियन का पेस्ट यदि आप डालते हैं, यदि कट करके डालते हैं तो कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और जब आप अनियन का पेस्ट डालते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पेस्ट को आपको बहुत अच्छे से भुनना है। यदि अच्छे से नहीं भुनाएगा तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। यहाँ मेरे प्याज अच्छे से भुना गए हैं। अब इसमें बहुत बारीक किया हुआ चॉप किया हुआ टमाटर मैंने डाला है, 2 टमाटर मैंने यूज़ किए हैं, और 2 हरी मिर्च, और मैं कस्तूरी मेथी को क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। याद रखना कस्तूरी मेथी को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसको डालने से सोयाबीन की सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ कलर वाली रेड मिर्च, क्योंकि मैंने पहले लाल मिर्च डाल चुकी हूँ तो ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, तीखी वाली बिल्कुल नहीं है ये। अब इन सब मसालों को मुझे अच्छे से भुनना है। जब तक कि अच्छे से भुना ना जाए तब तक इसको आपको भुनेंगे। और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, और इसमें अब डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 चम्मच, क्योंकि पहले भी हमने कुछ मसाले डाले हैं। और स्वाद अनुसार नमक, याद रखिएगा पहले भी हमने नमक डाला है, ऐसे नमक आपको बहुत कम डालना है। इसके बाद इसको हम अच्छे से भुनेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से भुना जाएंगे तो इसके बाद हमने जो सोयाबीन को रेस्ट पे रखे थे अब इसके अंदर हम सोयाबीन को डालेंगे। और सोयाबीन को डालने के बाद इसको हम अच्छे से भुनेंगे। कम से कम 10 मिनट तो आपको इसको भुनना ही पड़ेगा। और इसमें आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोयाबीन के अंदर हमने दही डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, तो लहसुन के अदरक के पेस्ट को भी अच्छे से भुनना ज़रूरी है। और जब आप अच्छे से भूनते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें तेल आ जाएगा, मसाला सारे तेल छोड़ देगा।
और इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा, इसलिए इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ कि मेरे सोयाबीन जो है अच्छे से भुना गए हैं। अब इसके हम अंदर हम यदि आप आलू नहीं डालना है चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमको अच्छा लगता है तो सोयाबीन के साथ हमने आलू डाले हैं। और इसके बाद हम सारे जितने भी आलू, यदि आप आलू नहीं खाते तो मटर डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मटर इस समय मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है, मटर खा के मन भर गया, इसलिए हम डाले हैं आलू। और आलू को पकाने के लिए डाल रहे हैं इसमें हम बॉयल किया हुआ पानी, हल्का गुनगुना पानी इसमें हमने डाला है, ताकि हमारे जब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे आलू जो है सॉफ्ट ना हो जाए। और अब इसको हम बस इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने दो बार डाल चुका है, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे। और इसके बाद इसको हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और तब तक ही पकाना है जब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारे सोयाबीन तो रेडी हैं। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, और आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर चेंज हो गया है। और अब हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो देखिए सब्जी का ग्रेवी जो है कितना थिक हो गया है, और आलू भी हमारे यहाँ पे पक गए हैं, इसका मतलब हमारी सब्जी जो है रेडी हो गई है। अब इसमें हम डाल रहे हैं लास्ट में हल्का सा गरम मसाला, ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए, और कुछ धनिया की पत्ती, धनिया लास्ट में हरी धनिया डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सब्जी मेरी रेडी हो गई है, अब इसका कलर देखिए आप कितना चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इस प्रकार से एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।